चलिए हम लोग अपना शुरू करते। तो हम लोगों ने बात की थी कल अल्फा एल फॉर्म, और जो है वो बहुत कॉमन होता है, ज्यादातर यही पाया जाता है। तो और हम लोग ये भी जानते हैं कि एक्सेप्शंस को भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक्सेप्शंस जो है वो क्या हो जाते हैं, वो एक तरह से आई हो जाते हैं कि हाँ, वो फोकस रखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस, और एक्सेप्शनल केसेस पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि आज के डेट में भी हम देख रहे हैं कि ये वायरसेस किस तरीके से एक्सेप्शनली म्यूटेशन कॉज, वायरस तो बहुत सारे हैं बट कुछ ऐसे ग्रुप्स हो जाते हैं जो एक्सेप्शनली बहुत तेज़ी से म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शनल केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अल्फा एल फॉर्म के साथ साथ हम क्या देख सकते हैं, अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या किस किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे अल्फा की बात की जा रही है और एल की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है आपको दो एक्सेप्शन अराइज हो सकते हैं, क्या हमेशा अल्फा होगा या हमेशा एल फॉर्म होगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ एक्सेप्शन मेजॉरिटी यही होता है बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एल के साथ साथ हमें क्या मिल सकते हैं, डी फॉर्म भी अमाइनो एसिड के मिल सकते हैं, और अल्फा में भी क्या मिल सकता है, बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ऐसे अमाइनो एसिड्स भी हमें मिल सकते हैं। तो अगर हम देखें एक्सेप्शन में डी अमाइनो एसिड होते हैं, और डी अमाइनो एसिड में अगर हम देखें कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम में डी अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है टायरोसिडीन, ये क्या है, एक तरीके से एक एंटीबायोटिक है, और अगर हम इसका देख रहे हैं स्पेसिफिक सीक्वेंस भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी फिनाइल एलिडीन, दिस मस्ट बी एल प्रोलीन एल फिनाइल एलिडीन, और जहाँ डी प्रेजेंट है वहाँ पे डी फिनाइल एलिडीन, ये आपको याद नहीं रखना है सीक्वेंस, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल की आपको चीज़ आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। तो कुछ ऐसे एंटीबायोटिक या ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि स्पेसिफिकली क्या होते हैं, वो हो उनमें डी अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो टायरोसिडीन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट वन इज जिरामिसिडीन। जिन्होंने सेल बायोलॉजी अगर पढ़ी हो या आगे आप लोग पढ़ेंगे ही, तो आप लोग ने इस टर्म को सुना होगा। एक्चुअली ये क्या होते हैं, आइनोफोर्स की तरह बिहेव करते हैं। हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो इस तरीके से भाई इंटैक्ट है, और सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हम थोड़ा यहाँ स्पेसिफिक हो रहे हैं, आयन चैनल्स भी होते हैं। तो क्या होता है, आयन चैनल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक आयन चैनल्स के भी अपने प्रॉपर्टीज़ हैं, लीकी चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनो सेंसिटिव चैनल, जो कि मैम डिटेल में आप लोगों को डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी में। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यानी ये किसी सेंसेशन पर, सिग्नल आने पर ये खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। तो ये जो आइनोफोर्स एंटीबायोटिक्स होते हैं, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है और आपने ड्रग ऐसा अप्लाई किया कि जिसकी वजह से ये जो चैनल है अब हमेशा के लिए ओपन हो गया, तो जिससे क्या होगा, हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से पानी अंदर आए और ये सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी। तो इस तरीके से कोई एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाई जाती हैं। जब हम लोग ड्रग डेवलपमेंट फिनोमेना भी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये सब, कभी हम लोग इस पर भी डिस्कस कर सकते हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट हो, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मैकेनिज्म है, जब भी कोई वैक्सीन डेवलप की जाती है या ड्रग डिस्कवर किया जाता है, तो वहाँ पे मेनली किस बात को पहले समझना ज़रूरी होता है कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं, कहाँ पे हम जो ड्रग बनाए वो सीधे जाके कहाँ पे इनहिबिट करें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पैरामीटर। तो जो ये जो जिरामिसिडीन होता है, ये एक्चुअली में जिरामिसिडीन डी भी बोला जाता है, और ये एक्चुअली मिक्सचर है आइनोफोरिक एंटीबायोटिक्स का, जिसमें ए बी सी ये तीन आते हैं, और इनके आइसोफॉर्म्स भी इनके साथ होते हैं, दो दो आइसोफॉर्म्स होते हैं, इसलिए टोटल सिक्स जिरामिसिडीन मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, और बेसिकली ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कभी कभी डायरेक्टली ये पूछ लिया जा सकता है, पूछा भी जाता है, तो ये याद रखिएगा, ब्रेवी बेसाइलस ब्रेविस सॉइल बैक्टीरिया से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इन्हें बनाया जाता है, और ये पूरा एक लीनियर पेप्टाइड है 15 अमाइनो एसिड का। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा आई होप।
डेप्सीपेप्टाइड जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है गेट वगैरह के भी एग्जाम्स में पूछा गया है। ये एक ऐसा पेप्टाइड होता है जिसमें कि क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी याद रखिए कि इसके पास पेप्टाइड और ईस्टर लिंकेजेस होता है। और ये जो डेप्सी पेप्टाइड है ये कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, जहाँ पे डी और एल अमाइनो एसिड का बड़ा अच्छा और स्पेसिफिक केस है कि डी और एल अमाइनो एसिड जो है वो अल्टरनेट फॉर्म में रिपीटेडली पाए जाते हैं, जिससे कि वो क्या होता है उसका जो मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल है, वो बड़ी स्पेसिफिक और रिजिड हो जाती है। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट्स में इस तरीके से पाए जाते हैं डी और एल अमाइनो एसिड। तो ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है कि डी अमाइनो एसिड कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का अरेंजमेंट जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है विद दिस अल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक, तो ये आपको तीन चार चीजें जरूर याद रखनी है। वह ऐसा देखा गया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रेस्मेज़, राइट, और जिसका काम होता है, सपोज दिस इज बैक्टीरिया, ठीक, दिस इज बैक्टीरिया, और इसमें एक एंजाइम है जो कि इंटर कन्वर्ट करेगा डी को एल में और एल को डी में, इसका नाम है रेस्मेज़ एंजाइम। ठीक है, तो ये जो रेस्मेज़ एंजाइम है ये सॉरी पहले तो हमें ये बताइए कि क्या ये ह्यूमन बीइंग में क्या डी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली? ओके गुड, तो डी अमाइनो एसिड इसमें नहीं पाए जा रहे हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया इस पर्सन को इन्फेक्ट कर लेता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये इसमें सर्वाइव करेगा क्योंकि इसको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एल अमाइनो एसिड में भी कन्वर्ट कर सकता है और अच्छे से इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हम आप जो है ऐसा ड्रग बना सकते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे कि साइंटिस्ट इसी पे फोकस करते हैं कि पहले यही खोजना होता है कहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट, क्योंकि हमें ड्रग की सेंसिटिविटी इफेक्टिविटी के साथ साथ सबसे प्रियो टारगेट होता है कि कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा बाद में, है ना, जिस पे बहुत ज़्यादा अभी हम लोग जो वैक्सीन की बात आ रही है उस पे यही सब डिस्कशन हो रहा था कि क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो सपोज अगर हम एक ऐसा ड्रग यूज करते हैं जो कि इस रेस्मेज़ एंजाइम को वो क्लीव कर देता है या खत्म कर देता है, तो क्या ये जो जो ड्रग आप ले रहे हैं क्या इसका कोई साइड इफेक्ट मैमल्स पे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हमें रेस्मेज़ की ज़रूरत हो जो कि डी और एल और एल डी के कन्वर्जन में हो। तो आप ऐसा कोई ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि रेस्मेज़ को ब्लॉक की कर दे और फिर ये इंटर कन्वर्जन होगा नहीं, तो बैक्टीरिया ही स्पेसिफिकली मरेगा, बट दूसरी तरफ क्या होगा, स्पेस को ह्यूमन बीइंग पे कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज द थिंग। अब इसी को चीज को ऑब्वियसली बात है कि 5C में अच्छे से कोई क्वेश्चन को बहुत ही मॉडिफाई तरीके से पूछा जा सकता है और इसमें आपकी एक थॉट भी है, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और क्वेश्चन को डेवलप किया जा सकता है, राइट? तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड तो मोस्ट कॉमन है, साथ साथ में क्या होते हैं, बीटा अमाइनो एसिड, गामा अमाइनो एसिड, डेल्टा अमाइनो एसिड, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, बहुत तरह के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ कुछ ही स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे आपको फोकस करना है। तो ये सभी एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि पाए जाते हैं और इनका अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो अल्फा अमाइनो एसिड्स हम लोग जानते हैं कि हमें अल्फा अगर अमाइनो एसिड की बात करनी है तो डायरेक्टली जो इस अल्फा कार्बन से हमारे सारे ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो व्हाट विल बी द बीटा अरेंजमेंट? अब आई मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सक चुके हैं कि स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अल्फा कार्बन है, सो दिस इज अल्फा कार्बन, और अब इस ये क्या हो गया, जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा, दिस वन विल बी द बीटा कार्बन, दिस वन इज द बीटा कार्बन, राइट? और अब हम क्या अटैच कर रहे हैं इससे, जो
अमीनो ग्रुप अटैच होता है जैसे यहाँ पे है, पर अब बीच में क्या आ गया, एक CH2 ग्रुप आ चुका है और ये क्या हो गया, अल्फा बीटा, दिस इज फंक्शनल वन, बी अल्फा एंड बीटा, और इस बीटा से हमारी साइड चेन अटैच है, तो ये क्या हो गया, बीटा अमाइनो एसिड। ठीक है, उसी तरीके से जो बीटा अमाइनो एसिड में जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो है बीटा एलेनिन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि बीटा एलेनिन बड़ा कॉमन है जो कि पाया जाता है, राइट, और बीटा एलेनिन का लोग अलग से कंजम्पशन भी करते हैं, राइट। ठीक, नेक्स्ट है हम लोगों, अभी बीटा एलेनिन के बारे में हम लोग और थोड़ा सा देखेंगे जब हम लोग एलेनिन का स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का डिस्कशन शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है गामा अमाइनो एसिड, गामा अमाइनो एसिड का रोल क्या है, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में मदद करता है जिसका नाम है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, राइट। तो अब आप अगर बनाना चाहें तो क्या, दिस इज अल्फा कार्बन विच इज दिस टिदरिंग, दिस इज बीटा कार्बन, और लास्ट ये जो हमारा आ गया ये क्या है, दिस इज गामा, और इसके साथ भी अटैच किया है लास्ट में अमीनो ग्रुप और ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गामा अमाइनो एसिड, इससे क्या हो गया, इस गामा पोजीशन से ये आपका अमाइनो ग्रुप अटैच है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये भी, इस तरह के भी डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आना चाहिए, तो इसका भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बाद में इस पर भी क्वेश्चन बेस्ड आए हुए हैं और बताएंगे, कई एग्जाम्स में आए हुए हैं कि फिर वहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि आपको ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस शुरू करिए। सिर्फ 20 या 22 अमाइनो एसिड का ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और कुछ तो बहुत ही सिंपल है वो तुरंत आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए दिखा रहे हैं, तो दिस इज गामा अमाइनो एसिड। अभी हम लोग इसका भी रोल देखेंगे कि कहाँ पे गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड का है। ओके, अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट डे शुरू किया था, टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हम लोगों ने बात की थी, हम लोग उसको थोड़ा सा फिर से, सॉरी यहाँ पे नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 500 टू 1000 अमाइनो एसिड यहाँ पे ऐसे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में अप्रॉक्सीमेटली 500 से 1000, कहीं कहीं पे और भी ज़्यादा मेंशन होगा बुक्स में, इतने अमाइनो एसिड हैं। तो ये अमाइनो एसिड का है, हम लोग तो 20 से 22 ही पढ़ते हैं, हम लोग ने इसके विषय में बात की थी, बट इस स्लाइड में हमने थोड़ा और क्लियर रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है कि चीज़ें आपको और थोड़ा बेहतर आ जाएँ। तो आप लोगों को पता है प्रोटीनोजेनिक प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि प्रोटीन्स में पाई जा रही हैं, प्रोटीन्स स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं, वो प्रोटीन जो कि ट्रांसलेशन के मदद से बन रही है या ट्रांसलेशन पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोटीन्स का पार्ट नहीं होते, वो प्रोटीन्स में नहीं पाई जा रही हैं, क्योंकि हम लोग के दिमाग में क्या है कि अमाइनो एसिड जो है वो क्या होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। पर कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं जो कि प्रोटीन का हिस्सा नहीं है, वो और अलग एक्टिविटी में आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोटीनोजेनिक में हम लोगों ने बात की थी, एक क्या हो सकता है कि भाई जेनेटिक कोड के थ्रू, राइट। तो जेनेटिक कोड में अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने बहुत ही क्लियरली डिस्क्राइब किया था, जेनेटिक कोड जो होंगे वो दो तरीके के हो सकते हैं, थोड़ा अलग करने के लिए हम समझा रहे हैं कि एक यूजुअल, यानी कि हालांकि यहाँ जो अनयूजुअल लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग कोड आ गया, कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल सा पैरामीटर हम लोग को देखने को मिलता है। कि यूजुअल में क्या होता है कि हमारे पास यूजुअल में क्या होता है, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं जो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रिपलेट कोड्स बनते हैं, राइट, AUG से मेथियोनिन बन रहा है और तमाम जो हम लोग कोड्स पढ़ते हैं, तो ये यूजुअल जो है प्रॉपर जेनेटिक कोड जो होते हैं, जो जिन्हें उनके द्वारा ही कोड किए जाते हैं, राइट। और यहाँ पे ये क्या होता है, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन के द्वारा कोड किए गए हैं, जिनका नाम क्या था, हम लोग ने डिस्कस किया था, सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलिस। इसको हम लोग अलग से, हम लोगों को पूरा थोड़ा डिटेलिंग्स करनी है, राइट। तो इसलिए ये जो है ये पूरे क्या हो गए, ये हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में आते हैं, 20+20
20 प्लस 2 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। बट कुछ ऐसे भी अमाइनो एसिड होते हैं जो ट्रांस प्रोटीन का हिस्सा होते हैं, प्रोटीन का हिस्सा होते हैं, प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं ये अमाइनो एसिड, पर डायरेक्टली जेनेटिक कोड के द्वारा तो नहीं कोड हो रहे हैं, बट अमाइनो एसिड पर ही कुछ जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं उन पर कुछ मॉडिफिकेशन कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग, आई होप आप लोग को क्लियर होगा, बट अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग जानते हैं दिस इज अमाइनो एसिड, ठीक है, ये अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं और एक पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, फिर पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होके एक प्रोटीन बनाएगी। तो ये जो अमाइनो एसिड हैं ये डायरेक्टली जेनेटिक कोड के द्वारा कोड हो रहे हैं। सपोज ये मेथियोनिन है, ये सिस्टीन है, ये आर्जिनिन है, राइट। तो ये इनको कौन कोड किया है, इनको जेनेटिक कोड ने कोड किया है, ठीक। तो ये क्या हो गया, प्रोटीन का हिस्सा हो गया, क्योंकि ये जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बाद में फोल्ड होके एक प्रोटीन बना रही है, सपोज प्रोटीन एक्स बना रही है, ठीक। पर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कुछ इस अमाइनो एसिड पे, सपोज यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन, कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप लग गया, तो अब ये क्या, ये प्रोटीन तो इसी का हिस्सा है ना, तो क्या हो गया, तो ये मॉडिफाइड या ट्रांसलेशन के बाद कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, प्रोटीन के स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ही होते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, और फिर प्रोटीन फोल्ड होके एक कोई प्रोटीन बना रही है, ठीक। तो मॉडिफिकेशन के बाद अगर कोई प्रोटीन बन रही है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीनोजेनिक प्रोटीन। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि एग्जाम्स में आप लोगों से पूछे गए हैं, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए जैसे, और याद भी हो जाएगा क्योंकि बार बार कोलेजन प्रोटीन जब तक हम लोग पढ़ेंगे तब तक बार बार ये सारे नाम आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन, यानी प्रोलीन पर 4-हाइड्रोक्सी ये ग्रुप अटैच हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, 4-हाइड्रोक्सीप्रोलीन। उसी तरीके से लाइसीन अमाइनो एसिड, जो कि क्या है एक्चुअली, ये 20 अमाइनो एसिड में आने वाला ही अमाइनो एसिड है, और ये मॉडिफाई कर दिया जाए 5-हाइड्रोक्सी लाइसीन में मॉडिफाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, मॉडिफाई प्रोटीन कहलाएगा, सॉरी मॉडिफाइड अमाइनो एसिड कहलाएगा। और ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं कोलेजन में, और कोलेजन में ये क्या रोल प्ले करते हैं हम लोगों को कोलेजन प्रोटीन पे, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन रामचंद्रन प्लॉट से भी जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, तो हम लोग देखेंगे इसकी कैसे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में, राइट, ये मॉडिफिकेशन हेल्प करता है। सिर्फ प्रोलीन हो जाए या लाइसिन हो जाए तो काम नहीं बनेगा, तो ऐसा क्या वो करता है कि इसकी कोलेजन की मजबूती आ जाती है। भाई मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चर प्रोटीन है, इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन जो आपकी बॉडी को पूरे स्ट्रक्चरली मेंटेन करता है। उसी तरीके से हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि आपके डीएनए को, आपका डीएनए कितना लंबा होता है पर वो छोटे से न्यूक्लियस में आ जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए प्रॉपरली क्या होते हैं, रैप होते हैं, राइट। पर ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इस पे भी पूरा मॉलिक्यूलर में पूरा डिस्कशन ही है, ठीक। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स पे क्या हो जाता है, ये दिस इज योर हिस्टोन प्रोटीन, इस पे क्या होता है, ये डीएनए ऐसे ऐसे रैप होते हैं, ठीक है। तो ये जो डीएनए ये रैप हुए हैं, तो क्या होगा, कभी हिस्टोन प्रोटीन को ये आप भाई ट्रांसलेशन करना है या ट्रांसक्रिप्शन करना है, तो इन प्रोटीन्स को क्या करना होगा, इनको खोलना होगा, सॉरी डीएनए को खोलना होगा, और ये इसको क्या करना होगा, इस हिस्टोन प्रोटीन को हटना होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर ही हम लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में समझना है। अभी के समझने के लिए हम बस ये बता रहे हैं कि ये हिस्टोन प्रोटीन को अब हटाना है यहाँ से, तो क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, इवन कभी किस जीन को किस समय ऑन होना है या ऑफ होना है वो मॉडिफिकेशन से ही क्या होता है, चीजें रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन में पाया जाता है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, तो उसके उसके गामा पोजीशन पे क्या अटैच हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो ये हो गया। तो इस तरीके से ये मॉडिफाइड हो, प्रोटीन का हिस्सा तो है पर ये अमाइनो एसिड क्या हो गए हैं, मॉडिफाइड हो गए हैं,
राइट। नेक्स्ट है, हाँ ये जो प्रोटीन हम लोग बात कर रहे थे, अब जैसे क्या है, अब नॉन प्रोटीन में भी हम लोग दो हिस्से बांट देते हैं, क्या अल्फा अमाइनो एसिड, यानी जो अल्फा हम लोग जानते हैं, अल्फा क्या डायरेक्टली अमाइनो ग्रुप जो है अल्फा से अटैच है, ठीक है। तो ये जो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि वो प्रोटीन का हिस्सा नहीं होते, तो ये ऑर्निथिन है, सिट्रोलिन है, अभी डोपा के बारे में पढ़ेंगे, फिर बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे अमाइनो एसिड हैं। तो आपको क्लिक कर रहा होगा कि और ये जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या हो जाते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म मतलब टूट रही हैं कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ बन रही हैं, उस प्रोसेस के दौरान ये इस तरह के कुछ अमाइनो एसिड बनते हैं जिनका अपना एक मेटाबॉलिक रोल रोल है हमारे मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो ये उस समय बनते हैं, ठीक है। एक क्या हो गया नॉन अल्फा अमाइनो एसिड, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया बीटा एलेनिन, बीटा अमाइनो आइसोब्यूटायरिक एसिड या गाबा, है ना, ठीक है। तो ये भी हम लोग देखेंगे भी बीटा एलेनिन और इन लोग के बारे में। तो ये कुछ नॉन अल्फा है, क्यों, क्योंकि यहां पर बीटा नाम आ गया, दीज आर नॉट वॉट अल्फा अमाइनो एसिड, दीज आर बीटा अमाइनो एसिड, ठीक। तो बीटा, ये तो बीटा है, ये दोनों, ये गामा है, ठीक। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा क्या अल्फा के अलावा बीटा गामा ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है। और कैसे अमाइनो एसिड हो सकते हैं, डी अमाइनो एसिड, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं एक्सेप्शन में। तो भाई वो डी अमाइनो एसिड भी तो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है, तो कैलकुलेशन में आप उनको भी डालेंगे कि अच्छा ये जो डी अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक, जैसे डी सेरीन, डी एस्पार्टेट, ब्रेन टिश्यू, हालांकि एंटीबायोटिक हम हटा सकते हैं कि एंटीबायोटिक तो हम लोग बार बार ये याद रखने के लिए तो आप इसको हटा सकते हैं कि ऑब्वियसली बात है कि एंटीबायोटिक्स तो बाद में यूज़ करेंगे, मतलब इन केस ऑफ इन्फेक्शन। तो ये होते हैं कुछ ऐसे अमाइनो एसिड जो आपके स्पेसिफिकली इन एक्सेप्शनल केसेस पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग अभी बात करके आए हैं ड्रग्स, ठीक है। तो जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स में भी अगर बॉडी कंज्यूम कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का वो हिस्सा हो रहे हैं, राइट। व्हेन यू आर टेकिंग द दैट जिरामिसिडीन ड्रग्स हैं, और भी कई तरह की ड्रग्स होते हैं जो थोड़ा एग्जांपल हम लोग आगे देख लेंगे।